공유야. 오케이. 어, 형. 마 여기 와. 많이 와. 여기 와. 나야 얘들아. 아, 전기 마하라
ಲೋಕಸ್ಸೌ ಜಯಗ್ರದಂ ಮಾತಿತ್ತಾರೆ ಜಿನಿಯರಿ ಅಂತ ಕಿತೆ ಸಂಚವಿ ಸಂಪಿಕೆವಲಿ ಸಭಮಯಂಚ ವಂದೇ ಸಂಭವಮ ಅಭಿನಂದನಂಚ ಸುಮಯಂಚ ಪಮಪಂ ಸ್ವಾಸಂ ಯಂಚ ಚಂದಪ ವಂದೇ ಸುವಿಂಚ ಪುಪದಂತಂ ಶೇಲಸೇನ್ ಸ್ವಾಸ್ವಜಂಚ ವಿಮಲವಣಂತಂಚ ಜಿನಂ ದಮ್ಮಂ ಸಂದಿಂಚ ವಂದಾಮಿ ಕುಂತೋರಂ ಸಮಲ್ಯ ವಂದೇ ಮುನಿಸಿವೇನ್ನ ವಿಯಂಚ ವಂದಾಮಿ ರಿಠಣೇಮಿ ಪಾಸಂತ ವದ್ಧವಾಣಂ ಸಂ ಯಂ ಮಯ್ಯ ವಿತ್ವಾ ವೀರ್ಯಂ ಲಪಂಯ ವರ್ಣ ಚವಿ ಸಂಪಿ ಜಿನ್ವರಾ ತಿತ್ತರೇ ಮೇ ಪಶ್ಯಂತೋ ಕಿತ್ತೀಯ ವಂದೀಯ ಮಯ್ಯ ಜಯ ಲೋಕಸೋತ್ತಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ ಗವೈಲಾಭಂ ಸಮಯ ವರ್ಮತ್ತ ವಂದಿಂತೋ ಚಂದೇಸು ನಿಮಲೇರ ಚೈಸ್ವಯ್ಯಂ ಪೇ ಸೈರ ಸಾಗರ ಗಂಭೀರ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಿ ಮದಿ ಸಂತೋ ಶ್ರೀ ನಮೀಶ್ವರ ಸಂಭವ ಸ್ವಾಮ್ ಸುವಿಧಿ ಧರ್ಮ ಶಾಂತಿ ವಿರಮಣಂತ ಸುವ್ರತ್ ನಮಿನಾಥ್ ಸುಜಾನ್ ಶ್ರೀ ಜನ್ಮರ್ಮ ಜುಕರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಜಿತನಾಥ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುಧಿ ರಾಧೀಶ್ವರ ಸುಪಾರ್ಶ್ವ ಗಂಭೀರ ವಿಮಲತ್ವ ವಿಜಾನ್ ಶ್ರೀ ಜನ್ಮರ್ಮ ಜುಕರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಲಿನಾಥಿನ್ ಮಂಗಲ್ ರೂಪ ಚೀಸ್ದುನ ಸುಂದರ್ ಸರ್ವ ಶ್ರೀ ಅನಂತಮರ್ಧವಾನ್ ಶ್ರೀ ಜನ್ಮರ್ಮ ಜುಕರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಸುಮ್ತಿಗ್ಧಂ ಪ್ರಭೌತ ಸ್ವಸ್ವಶಿತಂ ಶ್ರೇಯಾಂಸ್ ಕುಂತು ಪಾರ್ಶ್ವಭಿನಂದನ್ಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಜನ್ಮರ್ಮ ಜುಕರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಓಂ ನಮ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥಾಯ ವಿಶ್ವಚಿಂತಾಮಣಿಯ ತೀರೀಂದ್ರೇಂದ್ರ ವರಟ್ಟ ಪದ್ಮದೇವಿತಾಯತೆ ಶಾಂತಿ ತುಷ್ಟಿ ಮಹಾಪುಷ್ಟಿ ತುರ್ತಿ ಕೃತಿ ವಿದ್ಯಾಯೇ ಓಂ ರಿಂ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ವೇತಾನ್ ಸರ್ವಾದಿವಿ ಅವಿನಾಶಿನೇ ಜಯ ಷಷ್ಠಿ ಸುರೇಂದ್ರಸ್ತಿ ವಾಸಂತಿ ಚಂದ್ರಜಾಮರ ಶ್ರೀ ಶಂಕೇಶ್ವರ ಪಾಂಚಿದ್ನಾಥೋ ಸದ್ಗ್ರಂ ಕಾಮಿಕಣವನೌಕಂ ವಿಸರ್ ವಿಸಸ್ ನಾನಸ್ ಮಂಗಲ ಕರಣಾವಾಸಂ ವಿಸರ್ ಫಲಿಂಗಂತಂ ಕಂಠೈ ದಾರಿ ಜಸ್ಯಾವಣ ತಸ್ಸಗ ರಘುಮಾರಿ ದುರ್ಜನ್ ಸಾನಂ ಚಿಟ್ಟೋ ದುರಿಮಂತೋ ತುಜ್ಪನಾಮ ವಿವ ಫಲತ್ರಿ ಸಿಜುವಾ ಪಾವಂತಿ ನದಗುಂತೋ ಸೋತಲದ್ದೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಪಕಾಯವ ಬಯ್ಯೇ ಪಾವಂತಿ ಅವಿಗಿನಂ ಜೀವಾಯರಮನಂ ಠಾಣಂ ಯಸಂತೋ ಮಾಯ ಸವತ್ತಿ ವಣಿ ಭ್ರೇಣಿಯೇಂತಾರೇ ದಿಜ ವೈಂ ಭವೇ ಭವೇ ಪಸಂಚಂದ ಭವೇ ಪಸಂಚಂದ ಬೋಲಿಯ ಮಾ ಗೋರ್ತವ ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ ಶ್ರೀ ಸಾಧಿರತ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಗನ್ ಶ್ರೀಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಸರಳಾತ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿ ಚಂದ್ರಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಸರಳಾತ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಸಾಬ ಉಪ ಪ್ರವರ್ತ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ ಶ್ರೀ ಸುವ್ರತ್ ಮುನಿಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಸಾಧು ಸಂತನ ಆ ಜಾವು
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ स्टैंड है सभी से पुनः निवेदन जूते चप्पल बाहर निकाले समाज रतन लाला तरसेम सिंह जी जय अमृतसर वाले कृपया आगे आ जाए पूज्य माँ साध्वी जी ने बहुत सुंदर भजन हमें सुनाया जितने भाई कृपया ये गेट पे खड़े हैं मेरा सा... हार सास हार सास आज के
हमारे संरक्षक श्री सुदर्शन जी पुरखास वाले और जेडी जैन जी कृपया स्टेज पर आ जाए, स्टेज पर अपना स्टैंड प्रेजेंट करें। याद देखिएगा, सामने देखिएगा, इधर सामने देखिए भाई साहब, भाई साहब कार्यकर्ता श्री सुभाष जी जैन, चट्टावाड़िया जैन, आज के सहमंत्री पूर्व सहमंत्री श्री सुरेश जैन, याद देखिए अंकल जी यहाँ पे एक मिनट, याद देखिएगा सामने अंकल जी, इधर अंकल जी क्या देखिएगा सामने, इधर देखिएगा भाई साहब, ये थोड़ा सा पीछे, हाँ ये इधर। आज की प्रभावना क्या देखिएगा सामने अंकल जी, सामने अच्छा जी बिल्कुल ठीक है जी। चुलकाना और श्री साधु राम जी सदस्य आए और टिप्पण का स्वागत करें और स्वागताध्यक्ष श्री विनोद जी, आचार्य सोहन काशी सुमन दरबार के लिए श्री सुनील जैन प्रदीप जैन बरसत वाले आगे जाएं। क्या देखिएगा सामने बाबूजी, आपको पीछे बैठना, क्या देखिए एक मिनट बाबूजी, हाथ लगाइए दोबारा, इधर देखिए, इधर मेरी तरफ ठीक है जी। राकेश जैन सुपुत्र समाज रत्न श्री राम कुमार जैन जी बड़ौदा वाले, कृपया आगे जाएं। इनके स्वागत के लिए हमारी समाज के चेयरमैन श्री लूनकर्ण जी, स्वागताध्यक्ष श्री विनोद जी, विनोद जैन जी जुआ, इधर देखिए, इधर हाथ लगा के इधर देखिए, अगले दरबार के लिए गुरु रोशन शांति मदन प्रभा दरबार, इधर देखिए, समाज सेवी श्री अधिक प्रसाद जी, अधिक जैन जी मंडल के चेयरमैन श्री राकेश जी खड़े हैं, महासाधवी जी को और महिला मंडल के पदाधिकारी जी पे आगे जाए और साधवी जी को लेके आए। साथ में आइएगा एक बार, यहाँ देखिएगा सामने, एक मिनट ऐसे रहिएगा अंकल जी, गुरु सुनते विशाल आशीष बीचक स्वागत करें, एक मिनट ऐसे रहिएगा भैया, इधर महासाधवी जी पधार रहे हैं, कृपा गेट पर कोई ना खड़ा रहे, सभी बिठाने में अवस्था को संभाले, पार्षद मंडल के किसी को भी आगे खड़ा ना रहने दे, क्या देखिए जूते चप्पल अपने बाहर ही निकाल कर आए। राजा घेटी वाले आए और राजा जी का स्वागत करें। आचार्य श्री जयमल जी रावत जी सुखपाल, लाला राम प्रकाश जी जैन, कृपया मेरी आवाज सुन रहे हो, वो आगे आ जाए। समाज रतन लाला राम प्रकाश जी जैन, श्री अशोक कुमार जी जैन जुआ पीछे बैठे हैं, कृपया आगे आ जाए। जैन भंडारी कृपया वो आए हो, हमें देखिए सामने, मैं निवेदन करूंगा श्री महेश प्रसाद जी जैन कुचेरा वो दरबार का अनावरण करें, गुरु पुष्कर गुरु कल्याण गुरु पदम अमर दरबार, हमने देखिए सामने ना। श्री विनोद कुमार जी जैन ठीक है जी, अशोक जैन जी जुआ वाले बैठे हैं, से कृपया आगे जाएं और युवा शाखा के पूर्व महामंत्री श्री दीपक जैन जी हतवाले वाले वो भी कृपया आए, याद एक बार जी, और समाज के कोषाध्यक्ष श्री विकास जी आए और इनका बहुमान करें, उनका बहुमान
यहाँ देखो सामने जरूर जरूर सामने एक मिनट ऐसी देखिएगा सामने अंकल छत्तर देना जी आनंद कुमार जी सुराना वाले सुराना परिवार कुचेला वाले आए इनके बहुमान के लिए श्री विनोद जी श्री आनंद जी कुचेला वाले स्टेज पर आ जाए माला पटक लो प्रधान महामंत्री सभी का हार्दिक अभिनंदन यहाँ देखिएगा एक मिनट अंकल जी आए और उनका बहुमान करें या देखिएगा या सामने फोटो तो बनती है मालिक बेटा बेटा साइड में जाओ अंकल साथ में देखो हाजी ऐसे आई या देखिएगा सामने सामने तेरा पान समाज के सामने वैरागन बहन हमारे बीच पधार गई है महिला मंडल से अनुरोध हाँ सर हाँ सर स्वागत क्या देखिए सामने हमारा राम कुमार बड़ौदा वाले एक मिनट ऐसी श्री नरेश जैन राजा खेड़ी हमारे बीच पधार गए हैं क्या देखिए सामने बाबूजी लाला जी बैठो आप बैठो भैया इधर भैया लुक इट साइड वेट हमारे संघ के उप प्रधान श्री पवन कुमार जी जैन थैंक यू कृपया आगे क्या करेगा तो उसने कहा कि श्रावकों आप बैठो आपकी जो समस्या है उसका हल होगा तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद शाह बेगड़ा जो राज्य का अधिकारी है उसने कहा है कि शाह जो है एक साल का प्रबंध पूरा करें जो अकाल पड़ा हुआ है इसी प्रकार उस जगड़ू शाह ने ये कहा कि एक साल का मेरी तरफ से लिखें इसी प्रकार दानवीर सेठ लाला लूणकर ने हमें कहा आप कार्य करो जो आपके पास कमी रह जाए किसी प्रकार की मैं बैठा हूँ चिंता मत करना उसी कड़ी के अंदर लास्ट में उन्होंने देखा सबसे लास्ट में चीज ली कि लिफ्ट की कमी है इन्होंने हमें बुलाया कि लिफ्ट के लिए मेरा नाम लिखो ऐसे दानवीर से समाज के अंदर बैठे हैं मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वो आगे आए जो कि समय समय पर समाज के अंदर सहयोग करती हैं और हमेशा उनका सहयोग हमें प्राप्त होता रहा है ये दानवीर सेठ लाला लूणकर जी की धर्मपत्नी सुश्राविका नित्य प्रति 8-10 सभाएं करने वाली बहन इनके लघु भ्राता श्री महावीर जी सुराना कुचेरा के अंदर काफी वर्षों तक महामंत्री पद पर सुशोभित रहे पुत्र श्री आनंद कुमार जी सुराना पुत्र श्री निखत चंद जी सुराना पुत्र वधु संगीता जैन श्रीमती मिठो देवी का बहुमान अंदर करें और जेंट्स का बहुमान यहाँ पे आज के स्वागत जी और मैं महावीर प्रसाद जैन जेडी जैन अमृत लाल जैन ठीक है जी आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है महिला जैन स्थानक का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की तरफ है आज उसका उद्घाटन हुआ गुरु चरणों का हमें सानिध्य मिला और खुशी हुई अंकल जी सर स्वागत की अगली कड़ी के लिए जिन्होंने पूरे जीतने का सहयोग दिया वेट ऐसी रहेगा स्वागत की कड़ी में ठीक है जी
एवं श्री संजय शर्मा जी पधार गए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। श्री वंश जी जाटल वाले, हाँ सर, श्री हेतराम जी जय याद रखिएगा सामने भाई साहब अंकल जी। याद रखिएगा सामने, वेट भैया इधर। एक मिनट सामने देखिएगा, हाँ सर इधर देखिए भैया इधर। लाला जय कुमार जी जैन जुआ पर श्री प्रमोद जी छैना वाले परिवार से जो भी सदस्य आगे आए हों कृपया स्टेज के पास आ जाएं, समाज उनका बहुमान करना चाहता है। श्री पीयूष जी जुआ वाले, श्री विकास जैन जी जुआ वाले कृपया आगे आ जाएं, वो भी हर सर हर सर सामने अगल जी सामने देखिएगा। हाँ जी लाला श्री सुरेश जैन राजाखेड़ी परिवार, उनके सुपुत्र श्री दीपक जैन याद रखिएगा सामने, और दीपक जैन की माता जी कृपया मेरी आवाज सुन रहे हो तो आगे आए। दीपक जैन राजाखेड़ी के लिए पूरा महिला मंडल और प्रधान जी के घर से आए, श्री मंजू शर्मा जी का स्वागत करें, मंजू जी का थोड़ा गुल्ला गुल्ला हो जाएगी, थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा फोटो सब होगी आएगी। याद देखिएगा, याद देखिएगा, थोड़ा सा वो नहीं दिख रहे फिर। हाँ ये देखिए, इधर देखिए सामने भाई साहब, सामने निवेदन हमारे समाज आरोप पत्रिका ऐसी रहेगा देंगे हमारे श्री संजय शर्मा जी, और हमारे गेवरा मोड़ नवका तीरथ वहाँ पर मनाया जा रहा है पुरोहित श्री जी के सानिध्य में। सभी भाई बहनों से प्रार्थना, यहाँ पर संघ की तरफ से आने वाली 30 तारीख को स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे स्टील रेलिंग जिनकी तरफ से है, श्रीमती चंद्रो देवी जैन धर्मपत्नी लाला नेत्राम जी जैन खानपुर उनके परिवार की तरफ करें। श्रीपाल जी यहाँ पर आ जाएं, उनका बहुमान आज के स्वागताध्यक्ष। और पड़ोस वाले एकदम अच्छे हैं तो सारा कार्य सब कुछ क्या कर सकता है, हो सकता है। अभी भी कार्य चल रहा है उस स्थानक का, फिर भी श्रीपाल जी से और केसी जी से भी मंडल करेगा प्रधान महामंत्री आदि कृपया अटेंड सामने खड़े हो जाएं, और श्री नरेश जी का बहुमान हमारे स्वागताध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी जैन, संघ के प्रधान श्री मदन लाल जी जैन, और उप प्रधान श्री राजेश जैन पवन जैन। महावीर जी दरबार जो था परमेश्वरी दरबार, श्रीमान बनेचंद जी जैन अभी अभी मौजूद हो चुके हैं तो उनका भी बहुमान करने का कार्य करें। श्रीमान सा
दरबार का अनावरण हो चुका है, लेकिन सम्मान अभी अभी वे पहुंचे हुए, उनका बहुमान हो जाएगा। श्री विनोद कुमार जी जैन, लाला देवी जैन और सुशील जैन बुटाला। यार देखेगा इधर इधर सटील रेलिंग सहयोगी सुरेश कुमार जैन, इधर देखिए इधर भाई सर वही हो तो कृपया आगे आ जाए, उनका बहुमान होना है। श्री सुरेश जी आगे आ जाए। सुरेश जैन आज के स्वच्छता अध्यक्ष, श्री विनोद कुमार जैन श्रीमती रानी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय भगवान जैन काठवा परिवार इनका बहुमान लाला जी श्री मुकेश जैन काठवा अनिल कुमार जैन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शनों के पश्चात कृपया स्टेज पर अपना आसन ग्रहण करें। श्री मुकेश जैन अनिल कुमार जैन प्रवीण जैन तरुण जैन इनका बहुमान कार्यकर्ता श्री सुरेश जैन अजय जैन राजा खेड़ी दीपक जैन अथवाला कृपा वो आए और उनका बहुमान करें। कहानी वाले कृपया आए। क्या देखिए भैया यहाँ सामने मेरे पीछे आ जा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना। नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री सुरेश जैन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए हैं जो कि निर्विरोध वाई बहुमान आज के स्वच्छता अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी जैन और संघ के प्रधान श्री मदन लाल जी जैन। पहले सभी गले में माला और मटका ले लो, फिर एक साथ फोटो। जगदीश जी प्रधान जी कृपया वो भी मंच पर आए। कौशल इधर देखिए प्रधान श्री मदन लाल जी और स्वच्छता अध्यक्ष श्री विनोद जी करेंगे और सामने अंकल 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 जी बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की पंच परमेश्वरी भगवान की पंच परमेश्वरी भगवान की सविता। आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, सभी की स्वागत प्रक्रिया चल रही है, केवल 15-20 मिनट आप हमारा कोड दीजिए। फिर बाल वाले श्री राजीव जैन पुत्र श्री शेखर चंद जैन श्रीमती त्रिशल जी आए हो, कृपया जल्दी से जल्दी आगे आ जाए। सिंपल जी से श्री करना क्योंकि ये कार्य हम सब का है, चाहे उसमें गौतम मुनि हो चेतन मुनि हो प्रवर्तक हो उपप्रवर्तक हो या प्रवर्तनी जी हो, एक स्थानक निर्मिति का कार्य अगर हुआ है तो मैं भाव ये प्रेषित करता हूँ और उसके साथ साथ श्री लुणकरण जी जैन जो कि समाज के प्रतिष्ठित माने जाते हैं, जिन्होंने एक शब्द को मान दे करके सर्वस्व देने का क्या किया कार्य किया और उन्होंने बात रखी थी कि गुरुदेव
अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिस तरीके से छोटी स्थानक का निर्माण हुआ है, इसी तरीके से बड़े स्थानक के लिए मैं तन मन धन से क्या करूंगा, उसके अंदर सहयोग देने का क्या करता हूँ, मैं प्रयत्न करता हूँ। श्रीमान शाह लूनकरण जी जैन कहाँ पर है, लूनकरण जी जैन आगे आइएगा। जिस तरीके से छोटे स्थानक का निर्माण हुआ है, इसी तरीके से बड़े स्थानक के निर्माण के लिए तन मन धन से मैं क्या करूंगा, कार्य करूंगा। हर्ष 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 हर्ष। और ऐसे जैन सभा के समस्त कार्यकारिणी मंडल ने उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री राणी जी महाराज साहब, उप प्रवर्तक पूज्य श्री सुब्रत मुनि जी महाराज साहब एवं उत्तर भारत प्रवर्तन पूज्य श्री सरिता जी महाराज साहब आपके सानिध्य के अंदर समाज ने यह मन बनाया कि लूनकरण जी को समाज रत्न की पदवी से क्या कर दिया जाए, अलंकृत करवा दिया जाए, तो पहले उनका बहुमान क्या कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पूर्व जो निर्माण समिति है उनका बहुमान हमारे समाज की ओर से क्या करेगा होगा। आइएगा सारे जितने भी कार्यकर्ता है निर्माण समिति के, श्री सुभाष चंद्र जैन, विनोद जी जैन, संजय जी जैन, महावीर प्रसाद जी जैन, श्रीपाल जी जैन, मुकेश जी जैन, सुरेश जी जैन एवं अनिल जी जैन धामड़, ये आगे आएंगे, सबके सब आएंगे, उनका एक साथ बहुमान क्या करेगा यहाँ पर होगा। आएंगे, आप कार्य करो, हम पीछे खड़े हैं। हमारी समिति ने इनको जो है समाज रत्न की पदवी से पद देने का निर्णय लिया। आज हम इनको चाहते समारोह के हिसाब से समाज रत्न की पदवी से अलंकृत करते हैं और गुरु महाराजों से विनती करते हैं कि इसमें हमारा सहयोग करें और समाज रत्न की पदवी से इन्हें अलंकृत करें। जय वीर जय महावीर। मेरा सभी से नम्र अनुरोध है समिति वालों से, एक संत प्रवर्तक उप प्रवर्तक काफी लेट हो रहा है और हमें सब जो बैठे हैं उनका भी ध्यान रखना है। कुछ अभी गणमान्य व्यक्ति भी आएंगे, आपने कह दिया हमने स्वीकार कर लिया, हम तो आपके सेवक हैं, जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी लगाओगे हम शहर स्वीकार करेंगे। आपने हमारे को हौसला बढ़ाया, इसको हम स्वीकार करते हैं। मेरी आप सबसे निवेदन है क्रिया कार्यक्रम को जल्दी आगे बढ़ा करके, पब्लिक का धैर्य टूट रहा है, उनको संभालें। कुछ स्वागत बाकी हैं, उसके बाद आपके मंगल दर्शन प्रवचन हम सुनेंगे और दो मिनट मैं भी अपनी बात रखूँगा। हमारी समाज के समाज रत्न श्री राम कुमार जैन जी बड़ौता, श्री तरसेम चंद जी अमृतसर, श्री राम प्रकाश जैन जी चुआ, श्री अमित चंद जैन जी राजसेड़ा, कृपया वो भी आ गया जाए। हमें समाज की ओर से नगर से हमारी समाज के चेयरमैन श्री लूनकरण जी को दाताओं में दाता महादाता जी का अपनी समाज की ओर से अभिनंदन, समाज रत्न की पदवी से चादर मौसम गुरु चरणों के से आशीर्वाद लेते हुए इन्हें दे। समाज की कार्यकारिणी का कोई भी पदाधिकारीगण वहां ना बैठे, कृपया सभी स्टेज पर आ जाए। पूरा प्रधान श्री संजय जी कृपया वो भी आए, पूरा महामंत्री श्री महावीर प्रसाद जी, सरिता जी महाराज की जय, धर्म की। अब इधर देखिएगा सर, श्री सुभाष जैन बला सामने बाबूजी, और श्री सुभाष जैन बला इनके बाद जैन पनीर, श्री नवीन जैन पुत्र श्री रूपचंद जैन, श्री नमन जैन मलकपुर, दोनों समाज के प्रधान श्री मदन लाल जी जैन, अशोक जी जैन पश्चिम बिहार, कृपया वो आगे आए। आज के स्वागताध्यक्ष माला पटके से उनका बहुमान करें। इधर इधर भाई साहब, महावीर जी, श्रीमती प्रेमलता जैन उनका बहुमान महिला मंडल करें। सर्वप्रथम अहिंसा एवं करुणा के अवतार शासनी श्री महावीर के पावन चरण कमलों में, आपस में बातें नहीं, परम श्रद्धेय परम वंदनीय ममदापुरानी उत्तर भारत से ही उपक्रमित महासाथी श्री पवन कुमार जी महाराज के चरणों में पाठ पर विराजमान परम पूजनीय प्रवर्तक गुरुदेव पूज्य डॉक्टर श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज, वाणी के जादूगर पूज्य श्री गौतम मुनि जी महाराज, पूज्य श्री धैर्य मुनि जी महाराज, मुकेश मुनि जी महाराज, परम पूजा
उत्तर भारतीय प्रवट में शमनी सोया वहां साधु डॉक्टर श्री सविता जी महाराज सभी साधु जन के चरण उस बच्चे ने अपना व्यक्त किया। और ये भाव यदि हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए याद रखें तो यकीन मानिए हम भी कभी हार नहीं सकते। मुझे उपाध्याय प्रवर कवि श्री अमर मुनि जी महाराज नाम आपने सुना होगा, उनकी प्रसिद्ध कविता है मन का मानव। उसकी सबसे पहली दो लाइनें हैं, वो लाइनें मैं आपके सामने गुनगुनाना चाहूंगी क्योंकि वो लाइनें वो पंक्तियां मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है, कार्य ही तो यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है। ये लाइनें श्रीनगर जैन समाज के लिए आज के दिन के लिए आज के इस पावन अवसर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लगी मुझे। एक महान कार्य, एक ऐसा कार्य, देखिए अपना घर अपना मकान बनाने के लिए हर कोई सोचता है, हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा हो जाए, लेकिन जब बात धर्म स्थान की आती है, जब बात किसी भी जैन स्थानक या मंदिर की आती है तो वो किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं होता, वो पूरी समाज का कार्य होता है। कोई एक मकान बनता है तो आपस में सगे भाइयों के विचार नहीं मिलते, और जब समाज का कार्य होता है अलग अलग परिवारों से आए हुए वो भाई वो बहने किस तरह से अपने विचारों को एक करके, किस तरह से अपनी ऊर्जा को एक करके और किस तरह से समन्वय बना करके कितनी जल्दी इस कार्य को पूरा किया है। कितना समय लगा है स्थानक को बनने में? हाँ जी, एक साल। वो तो पूर्णता की ओर है, लेकिन हम देखते हैं कि एक साल में तो मकानों का ढांचा भी बन करके पूरा तैयार नहीं होता। इसके लिए श्रीनगर की युवा शक्ति, श्रीनगर की समाज, इनकी ऊर्जा बहुत बहुत साधुवाद की पात्र है। बस एक छोटी सी कहानी से मैं अपने वक्तव्य को पूरा करूंगी। आप सभी बहुत देर से स्वागत देखे जा रहे हैं, जिनका स्वागत होता है वो तो बड़े खुश होते हैं, जो देख रहे होते हैं वो बेचारे कहीं ना कहीं थोड़े से बोर हो जाते हैं। छोटी सी कहानी है, ज्यादा समय नहीं लूंगी। एक जुलाहा था, और जुलाहा क्या करता है? कपड़े बुनता। वो जुलाहा कपड़े बुनता था। सर्दी का मौसम आया, जुलाहे ने कंबल बुने। वो जुलाहा हेरा फेरी नहीं करता था, धोखेबाजी नहीं करता था। जितना उसकी कीमत होती बस उसमें थोड़ा सा अपना गुजारे लायक अपना मुनाफा रख करके वो कंबल बेच देता था। भगवान के भजन गाता और कंबल बनाता रहता, ये उसका काम था। एक बार एक सेठ ने कंबल लिया, उसकी दुकान पर आया। सेठ को तो कंबल पसंद आए, सेठ ने कंबल खरीद लिए। सेठ को आदत थी, सेठ ने कहा इसके पैसे मैं कल दूंगा, आज नहीं दूंगा। जुलाहे ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कल दे देना। सेठ घर चला गया। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गए, लेकिन सेठ ने पैसे नहीं दिए। सेठ के मन में लालच आ गया। जुलाहे ने इंतजार किया कुछ दिन, लेकिन इतना पैसा जुलाहे के पास नहीं था कि यदि सेठ उसके कंबल के पैसे ना चुकाए तो भी उसका गुजारा चलता रहे। जुलाहा थक कर के सेठ के घर पहुंचा। सेठ को जाकर के कहा मेरे कंबल के पैसे दे दीजिए। सेठ के मन में तो लालच आ गया था। सेठ ने कहा भाई वो तेरे कंबल जो थे ना वो तो जल करके राख हो गए। जुलाहा कहता है हो भी नहीं सकता कि मेरे कंबल जल करके, क्यों नहीं हो सकता? कपड़ा है, कंबल है, मिट्टी का तेल पास में रखा था, मिट्टी का तेल उस पर गिरा और आग लग गई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जुलाहे ने कहा हो ही नहीं सकता। जुलाहे के कंधे पर एक कंबल पड़ा हुआ था। जुलाहे ने कहा ये रहा कंबल, भिगो इसे मिट्टी के तेल में और आग लगा करके देखो, नहीं जल सकता मेरा कंबल।
सेठ को गुस्सा आया, सेठ ने मिट्टी का तेल डाला उस कंबल के ऊपर और आग लगा दी। कंबल में आग लग गई, लेकिन जब अग्नि शांत हुई तो सब देखकर के हैरान थे कि वो मिट्टी का तेल जल गया लेकिन कंबल बिल्कुल वैसे का वैसे था। सेठ पूछता है, ये कैसे चमत्कार हो? कोई मंत्र पढ़ा था? कोई जादू किया था कंबल के ऊपर? जुलाहा कहता है, ये जादू नहीं है, ये मेरी सच के कमाई का कंबल है। मैंने सच बोला है आज तक, कभी झूठ बोल करके व्यापार नहीं किया, इसीलिए मैं जानता हूँ कि मेरे हाथ का बनाया हुआ कंबल जल नहीं सकता। ये है सत्य की जीत, ये है न्याय की जीत, ये है नीति की जीत। आप सभी ने जो अपनी आजीविका, अपनी आमदनी में से, जो अपनी मेहनत की कमाई से धन लगाया है उस जैन स्थानक के अंदर, वो स्थानक जो साकी जी महाराज के लिए, दर्शनार्थियों के लिए और ना जाने किस किस के लिए वो कार्य में आएगी, उपयोग में आएगी। आपकी मेहनत की कमाई, आपने सदुपयोग किया है उस कमाई का, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और गुरु जी महाराज जो कि अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाए, उनकी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत मंगल कामना। अपना सहयोग हमें दिया, अपनी छत्र छाया रखी, वो भी कृपया आगे आए। श्री मांगे जी सामने देखिए, वड्डों के बाद निर्मल श्री सामने देखिए, सामने ओम प्रकाश सुदर्शन जैन पुरखास लाला शिवधन जैन, संजय जैन चांदल कला, कृष्णलाल जैन खंडरा, लाला कृष्णलाल जी आए हैं, उनका बहुमान करें। श्रीमती निर्मला जैन कृपया आगे आ जाए, उनका बहुमान हम सामने। श्रीमती अदर एक मिनट ऐसी रहेगा, ठीक है जी। यहाँ देखिएगा सामने दोनों भैरागन बहनों का होगा, इधर देखिएगा, इधर बैठो प्रांजल, करना जरूरी है हमारे, इधर ध्यान रखना संगत का। निर्माण समिति के अध्यक्ष बलिया घोर तपस्वी श्री रोशन लाल जी महाराज की, शिक्षा लेने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद, शिक्षा लेने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़ा खुला खुला हो जाएगा, फोटो आ जाएगी। मानसरोवर पार्क के अंदर वहाँ पर होगा, तो इसका भी सगने का करना है, ध्यान रखना। क्या सामने श्री एस एस जैन महिला मंडल सामने वर्तमान प्रधान महामंत्री सामने सामने देखिए सामने के साथ रहते हुए।
पिछले सवा साल से अपना समय दे रहे हैं, सवा साल प्रशासन इधर देखिए इधर कल्याण निर्माण में हर सहयोग दिया, आपको धूल मिट्टी शोर शराबे में रहना पड़ा, इसके लिए आपसे क्षमता क्षमा चाहते हैं और आपका धन्यवाद भी करते हैं। उद्घाटन करते हैं, हम ध्यान कराने का प्रयास करेंगे, समाज के हर वर्ग का जिन्होंने तन मन धन दिया है आभार धन्यवाद, विशेष का धन्यवाद आभार पूरा धन्यवाद धन्यवाद। अगर वो नहीं आ रहे तो मांझा करके उनका बहुमान ओके से तूने हाथ जोड़ करके मैं समझ जाता हूँ, चंदा लाने के दौरान किसी को थोड़ा ज्यादा भी कहा गया, कम भी कहा गया तो वाले थाना लेकर के अगली धन्यवाद का पात्र है। आप सभी ने ये सुंदर कार्यक्रम रखा और सुंदर कार्यक्रम किया और सभी का बहुमान किया, वो भी अनिवार्य होता है क्योंकि सभी ने अपनी नेकबाई से कुछ ना कुछ किया होता है। पर मुझे आज से वो वर्षों पहले की बात याद आती है जब हमारे साथ मास यहाँ हुआ था श्रीनगर में और 90 का चतुर्मास, उसी समय में हमारे प्राणी जी महाराज के पावन सानिध्य में मुझे श्री रोशनलाल जी महाराज के इस हॉस्पिटल का अस्पताल का अनावरण हुआ था उन्हीं दिनों में, और उसी समय ये स्थानक का बड़ा हाल रखा गया था और छोटे स्थानक जो कि हमारे पत्थर वाले भाई होते थे यहाँ पर अभी भी है, वो उन्हीं की ओर से छोटा स्थानक लिया गया था। ये सभी प्रेरणा हमें अपनी पूरी पुरानी जी महाराज साहब की ओर से जब छोटे स्थान का निर्माण हुआ था तब मिली थी, उसके बाद कार्य धीरे धीरे हुआ और छोटे स्थान के बाद बड़े स्थान यानी महिला स्थान रखी गई और अब हमारे पूज्य गौतम मुनि जी महाराज साहब ने आप सबको प्रेरणा देकर के इतना सुंदर और भव्य महिला स्थान का निर्माण करवाने की प्रेरणा दी और जो कि बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। हमारे आगमों में स्थान का निर्माण एक पुण्य अति पुण्य का कार्य माना गया है, 9 पुण्य में एक पुण्य है जैन पुण्य और उसी पुण्य के अंतर्गत आता है हमारा स्थान का या हमारे जैन भवनों का या जैन अतिथि शालाओं का या जैन शालाओं का या जैन स्कूलों का निर्माण उसी कार्यक्रम में आता है। तो ये आपने श्रीनगर में पुण्य का कार्य किया जो जैन स्थान का निर्माण करवाया और पुण्य के कार्य में जैन स्थान का जो निर्माण होता है वो बहुत ही उत्तम माना गया है। लोगों पुण्य के कार्य में किसी गरीब की सेवा करना, किसी गरीब कन्या का विवाह करना या किसी भिक्षु को कुछ दे देना वो सब आते हैं या किसी गरीब की सहायता कर देना ये भी पुण्य के कार्य में आता है, लेकिन जो स्थान का कार्य है वो अति पुण्य कार्य है। आप कहेंगे क्यों है वो अति पुण्य कार्य, क्योंकि स्थान में जब भी होगा उत्तम कार्य होगा, धर्म का कार्य होगा, सामायिक होगी या उसके अंदर कोई भी पूजा साधु जी महाराज या साधवी जी महाराज का शिविरवास होगा, चतुर्मास होगा या कल्प होगा, तो जो उसमें धर्म ज्ञान होगा तो उसमें जिन्होंने एक पैसा भी दिया अधिक ना भी दे, जिन्होंने बहुत दिया उनकी तो बात ही क्या, जिन्होंने एक पैसा भी दिया है उनको भी वो पुण्य का उपार्जन उनके लिए भी होगा, उन्हें भी उस तरह का वो पुण्य लाभ मिलेगा। और दूसरी बात है अगर आप किसी गरीब की सहायता करते हैं, अगर उसे कुछ देते हैं तो वो सुख समृद्धि करता है, भोगता है, सब कार्यों में लगता है, तो उसमें आपको बाद में पुण्य की उपलब्धि नहीं होगी, लेकिन स्थान का दिया हुआ दान या पुण्य तो ऐसा कार्य है जिसमें आप भी आपकी पीढ़ी भी सभी को इस पुण्य का लाभ मिलता रहेगा। इसीलिए आज इतना वक्त समय आपका लगा क्योंकि आप सभी ने जब दिया था तो जो देता है सो पाता है, बस दिया दिया रह जाता है, जो देता है सो पाता है, बस दिया दिया रह जाता है, जो मुट्ठी बांधे आता है वो हाथ पसारे जाता है। कबीरा देना है भला दिया करो सब कोई, कबीरा देना है भला दिया करो सब कोई, जागर दिया ना हो ये बागर दिया ना हो, डबल बात करी, या जिस घर में दिया देना नहीं होता तो वहां दिया भी नहीं जलता, इतनी बड़ी बात कही। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो, नदी ना घटियो नीर दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। तो ये देना है और देने वालों का नाम लिया जाता है और जो देता है उनका गुणगान भी किया जाता है और देने वालों का ही स्वागत सत्कार भी
होता है। हम तो एक निमित्त मात्र हैं, आप यहाँ आ गए, हमने आपके पुण्य की अनुमोदना कर दी, आप लोगों ने पुण्य का उपार्जन कर लिया, हम लोगों ने उसके लिए प्रेरणादायक बन गए, जैसे हमारे गौतम मुनि भी प्रेरणादायक बने और इन्होंने क्या है ये सब कार्य आगे बढ़ते करवाए और अगले कार्य के लिए भी आपके लिए इन्होंने फाउंडेशन को रख दिया। ये बहुत बड़ी बात है, आप सब लोग इस अच्छे कार्य में जुटे रहे, लगे रहे। और एक बात और, जब आपका स्थान छोटा था तो तब हमारे चतुर्मास था और हमारे सामने हमारे समाज के प्रधान उस समय गिरधारीलाल जी थे, हमारे वो कौन सी खेड़ी वाले थे, वो शिला खेड़ी वाले, और अमित जी तो थे उस समय भी, लेकिन इनकी इच्छा थी कि स्थान का बड़ा हाथ माना जाए, तो हम लोगों ने भी प्रेरणा दी अपने पूज्य पुरानी जी की कृपा से, और उस समय में हमारे विजय मोतियों वाले बाबूजी जिनको हम आज भी नहीं भूलते, आज वो नहीं है, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान देकर आज भी उनका नाम आपके स्थान के हाल में लिखा हुआ है, और वो हम सबकी प्रेरणा से उन्होंने आपको योगदान दिया था और स्थान का बड़ा हाल बना था। अभी मैं लूटर भैया से यही बात कह रही थी कि भैया जी ये तीन कोने तो मैंने पूरे करवाए थे उस समय, पर एक कोना जिसके लिए आज भी मेरे मन में एक बहुत बड़ी इच्छा बनी हुई है कि वो कोना भी अधूरा नहीं रहना चाहिए। लूंगर जी का है, सुन रही मेरी बात को, महावीर प्रसाद जी तो आपके स्पीकर है ही, वो तो मैंने जब भी देखा था आपसे 30 साल पहले तब भी स्पीकर थे और आज भी वो उसी तरह आपका क्या सहयोग दे रहे हैं। ये भी क्या है, एक गॉड गिफ्ट होता है कि इस तरह से सहयोग देना, कोई वाणी के द्वारा देता है, कोई सेवा के द्वारा देता है, जैसे सुभाष जी निर्माण कार्य में देते हैं तो कोई पैसे के द्वारा, सभी कोई कोई किसी रूप में सहयोग देते हैं, तो ये सहयोग दिया। अब जैसे लूटकर जी को मैंने यही बात अभी भी बैठ कर कही, मैं कहा लूटकर जी कोड़े का काम, जीने का काम बढ़िया स्थान का पाठ में करना, जो मेरी आंखों में रड़क रहा है ना तीसरा चौथा कोना, समझ गए होंगे, एक कोना पहले उस कोने को पूरा करना, जो भी वहां रहते हैं उन भाइयों से विनती करना, अरदास करना, उन्हें और अच्छा कोई मकान लेकर दे देना, पर स्थान का चौथा कोना जरूर पूरा करना। मुझे याद है उस समय की बात, हजारों वर्ष पहले एक बार श्रावस्ती में बोध मठ का निर्माण होना था, जब श्रावस्ती में बोध मठ का निर्माण होना था उस जगह का चयन करने के लिए एक बहुत बड़े अमीर को चुना गया जो गौतम बुद्ध को मानने वाले थे, उन्होंने जब देखा तो उन्हें एक स्थान बहुत पसंद आया और था भी वाकई वो बहुत पसंद करने वाला स्थान, तो उन्होंने कहा गौतम बुद्ध से जाकर कि प्रभु वो स्थान मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो क्या है, वो स्थान जो है वो यहाँ के राजा की जगह का है, लेकिन उसे लिया कैसा जाए, अब राजकुमार नहीं चाहता था कि वो जगह को लिया जाए, राजकुमार ने एक क्या है वहां पर एक बात लगा दी, एक शर्त लगा दी कि अगर इस जगह को, सुन रहे हैं सभी के अपने काम में लगे हैं, कुछ बातों में भी लग रहे हैं भैया, भोजन की भूख भी लगी, चलो मैं भी अपनी बात पूरी करती हूँ। हाँ प्रधान जी, तो क्या हुआ कि राजा ने वहां पर राजकुमार से मिलकर एक पट्टा लगवा दिया कि इस जगह को वही ले सकेगा जो पूरी जगह को असरपियों से भर देगा। अब आप बताइए सोने की असरपियों से कितनी जगह को भर दोगे, आपने तो किसी ने 10 लाख दे दिया होगा, 5 लाख दे दिया होगा, 2 लाख दे दिया होगा, वहां तो पूरी जगह को असरपियों से भरना था। अब लेने की मन में थी बोध मठ बनाने का, अति से पुण्य कमाने का, उस सेठ के मन में पूरा मन में ख्याल था, उसने कहा कोई बात नहीं, जितनी मेरे घर में मेरे पास धन है सब असत्य मैं बिछा दूंगा, लेकिन ये जगह मैंने लेनी। और कहते हैं कि अगले दिन उसने पूरी भूमि पर सोने के असत्यों को बिछा दिया और बिछाने के बाद उन्होंने बोध मठ के लिए उस जगह को, जब मन में करने की बात आ जाए तो व्यक्ति करता है। आज आपू का दिलवारा मंदिर हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ी शांत सोगत का कार्य है, आज हमारा शिखर जी का कार्यक्रम या गिरनार जी का पर्वत या महावीर जी पावापुरी की जगह, ये सब आप लोगों के लिए, या आज भी दिल्ली चांदनी चौक की वो 12 गली की जगह, ऐसे तो हो ही नहीं है, आप सब लोगों ने जब उसमें सहयोग दिया है तभी वो कार्य, और आज भी जैन समाज के मस्तक को ऊंचा करने वाला वो दिगंबर लाल मंदिर जो खड़ा है, ऐसे जब हमारा समाज आज की नई चीज नहीं है, कोई नया स्थान के लिए आप
प्रजापति है और उनका नाम सदा सदियों में अक्षरों में लिखा जाता है। इसलिए अगर कहीं किसी का बहुत बड़ा चौथा पांचवा पीढ़ी का व्यक्ति भी कोई बच्चा आता है तो वो भी अपने मकान को नहीं कहेगा, दुकान के लिए नहीं कहेगा। अगर स्थानक में सीढ़ी भी बनाई गई तो वो भी बड़ी छाती ऊंची करके कहेगा, ये मेरे लक्कड़ दादा ने बनवाई थी। ये सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, सबको मंगल कामनाएं है। समय भी बहुत हो गया और आप लोग खाली गली में खाली करके चले गए हैं। चलो कोई बात नहीं, जो समय आया अपने उसी के साथ आप सबको धन्यवाद देते रहे। और विशेषकर हमारे गौतम मुनि जी महाराज साहब वाणी के जादूगर, मीठा मीठा बोलते हैं और काम भी करवा लेते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूजे प्रवर्तक श्री जी, आपने भी कार्यक्रम रख दिया नकार धाम का, आपका भी जन्मदिन अभी से ही हम तो मुबारक दे देते हैं। बाद में तो मिठाई खाने के आकर बसते नहीं है, वो तो खाएंगे खाएंगे बचाएंगे नहीं। इसके साथ ही हमारे शास्त्री जी महाराज साहब भी पीछे छुपे हुए बैठे हैं, उनको भी देखा है हमारे पूजे पूजे भंडारी श्री पदम चंद जी महाराज साहब, पूजे पूजे वाणी भूषण प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब के शिष्य श्री हमारे शास्त्री उपप्रवर्तक श्री और हमारे पूजे भाई श्री आचार्य सुभद्र मुनि जी महाराज, जो हमारे दीक्षा गुरु भाई है, उनके शिष्य श्री मुकेश मुनि जी महाराज साहब भी यहाँ विराजमान है। और तपस्या में अपने धैर्य को रखने वाले दृढ़ तपस्वी श्री धैर्य मुनि जी महाराज, सभी को बहुत 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 वंदन करते हुए ओम। सभी साथियों ने मुझे टाइम का डिवोशन दिया और टाइम डिवोट किया, इन सभी को भी मैं बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ। पूजा शादी जी महाराज सभी इधर उधर से आए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, मंगल कामना मंगल आशीर्वाद। जो बुटी जी महाराज सबको प्रेरणा दे देते हैं, रानी जी महाराज उन्होंने ज्यादा शोर मचा मचा कर ये स्मारक का कार्य, अरे हमारा स्मारक भी तो देखो, याद होगा ना हम सभी को, जब भी मैं आती थी महाराज हमारे स्मारक को भी देखो कितना पुराना हो गया है। तो ये इनकी भी एक किस्म से मौन क्या है, प्रेरणा है हमारे बुटी जी महाराज की। तो इसी तरह कार्य करते रहो, समाज के हित के लिए आप लोग ही कर सकते हो, हम तो कोई धनबाद का क्या कर अंगार हो गए हूँ, अगार व्यक्ति ये सब कर सकता है। तो आप सब करने वालों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ओम। सबसे हम देखने वाली को पहले श्रवण करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रवर्तक भगवान की तरफ क्या करेंगे सुनने का प्रयत्न करेंगे। जय अरे भाई हम तो मेरी आवाज बहनों की नहीं आई और बहने सबसे ज्यादा है। बोलिए पूज्य गुरुदेव प्रभातीय प्रवर्तक भंडारी श्री परम प्रेम जी की जय। आज जो है बड़ा शुभ कार्य किया और भाइयों ने बहनों ने किया और साधु साधियों की प्रेरणा से किया, जितना लाभ आपको देने का है इतना ही इन साधु साधियों की प्रेरणा का साधु साधियों को भी है। और अभी आप डॉक्टर महासाधवी शर्माजी सूर्या उत्तर भारतीय परमात्मी श्री सरिता जी महाराज और ये हमारी गुरु बहन भी है और आजकल ये अधिकारी है, और अधिकारियों को छोटे कार्यकर्ताओं का नाम ही भूलना चाहिए है? ये मेरा नाम ही भूल गए। चलो खैर कोई बात नहीं, आप कुछ ना कुछ तो राहत मेरी डिग्री याद रह गई है, ये भी सौभाग्य की बात है। तो यहाँ का जो त्रिनगर संघ है, मैं कल इसको कहा था त्रिनगर नहीं बल्कि त्रिदश नगर है, कितना है श्री दस नगर है। आपको पता होगा दशानन कहते रावण को है, रावण को दुनिया याद रखती है, उसके दस सिर थे। तो ऐसे ही ये जो त्रिनगर है ना, ये नाम का त्रिनगर है, वैसे काम दस का करता है, काम किसका करता है दस का करता है। दिल्ली में संघ तो बहुत है मगर ऐसे बहुत कम संघ है जहाँ दो दो स्थानक हो, धर्मशाला हो, हॉस्पिटल हो है, और कोई ना कोई साधु साधी यहाँ विराजमान रहता है। तो ये क्यों रहता है, क्योंकि ये श्रीनगर का जो संघ है ये पुण्य के कार्य करने में आगे रहता है, इसमें रहता है पुण्य का कार्य करने के लिए हमेशा आगे रहता है। तो चाहे वो
संजय जैन प्रधान रहे, चाहे राम प्रकाश जैन प्रधान रहे, या भीमचंद रहे, या वो ये अपने लालाजी भीमचंद जी और वर्तमान में बदलना आए हैं साबुर खेली के जानता हूँ इनको, जिनका नाम तो बाद में आता है वो अटे हमीचंद जी सबसे बुजुर्ग सरावत है, ये भी यहाँ से प्रधान रहे और सभी ने अपनी अपनी प्रधानता में कुछ ना कुछ अच्छा करने का कार्य किया। अभी राजा मदनलाल जी आए हैं और ये इसी कार्यकारिणी से प्रेरित है कि जैसे इन्होंने छोटा स्थानक बना दिया, हम इस बड़े स्थानक का जीर्णोद्धार करें और इसमें ये सभी बिरादरी हमने देखा तहसील नगर के सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं और इसीलिए इनकी जय जयकार होती है। इसीलिए क्या है, आप सब जो वहां से आए हैं वो भी इस बात की प्रेरणा है कि जैसे ये श्रीनगर सब सारे कार्यों में आगे है, क्या दीक्षा करानी हो, क्या चतुर्मास कराने हो, दो कराने हो, तीन कराने हो, जब सन बारहवें में गुरु जी का चतुर्मास था तो गुरु जी का तो था ही कई साधियों के चतुर्मास भी थे, डॉक्टर सरिता जी महाराज, डॉक्टर इनकी शिष्या सुभा जी महाराज, इनकी शिष्या उषा जी महाराज, और भी कई चतुर्मास थे, सने कुमारी जी का, बीना जी का, तो ऐसे कितने ही चतुर्मास साथ साथ भी करा लेते हैं और आगे से आगे चतुर्मास की विनती तैयार रखते हैं, तो ये इनकी विशेषता है, बुनियादी है और हम ये मंगल कामना करते हैं कि ये इसी तरह आगे बढ़ते रहे, जितना धर्म ध्यान करेंगे, दान पुण्य करेंगे उतना ही क्या है आगे बढ़ेंगे। हाँ जी राजा भूषण जी, अब महाराज जी ने आपका नाम कर दिया है, जो स्थानक है ना उसका कोना खरीद के देना, ये आपकी जिम्मेदारी लगा दी सरिता जी महाराज ने, आपको तो आगे करा है, सारा साथ देंगे, भाभी जी आपके साथ रहेंगे, मनोहर जी साथ रहेंगे, कोना खरीदना आपकी जिम्मेदारी है, जैसे पुरानी कार्यकारिणी ने सबको साथ लेके चला, ऐसे ही मदनलाल जी, आप महावीर जी और जो भी है संजय जी है वो सारे खड़े होकर और पर्यटन करेंगे और हमारे श्री गौतम मुनि जी भले ही दूर चले जाए मगर वहीं से आपकी कृपा बरसाते रहेंगे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, महाराज जी वहीं से गाड़ी भेजते रहेंगे, आप पर लगे रहो बराबर में बैठे ना सारे लाइन सर, सबकी कृपा जी आगे भेजते आपके बेड़े पार कर देंगे अपने आप ही, ये तो सारे भारत के मालिक है, तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत, वो डट के खड़े रहो, डट के खड़ा हो जाता है, अभी आपने सुना था ना कोई कोशिश करते रहो तो पार हो जाओगे, ये पुण्य का कार्य है और पुण्य का अर्थ है पुनाति की पुण्य, जो आत्मा को पवित्र करता है उसको पुण्य कहते हैं, जो आत्मा को पवित्र करता है उसको पुण्य कहते हैं और आत्मा की पवित्र अवस्था का नाम ही है परमात्मा। आपको पता होगा वे कुमार के रूप में, वे कुमार ने हाथी के रूप में प्राण का दान दिया था तो वो क्या बन गया, भगवान की महावीर की वाणी का अंग बन गया, तो ऐसे ही आप भी जब ये पुण्य का कार्य करेंगे तो आप भी श्रीनगर के स्थान में इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ और सभी अपने साधु साधियों का और आए हुए श्रावक श्राविकाओं का साधुवाद और धन्यवाद गौतम मुनि को भी हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलं केवली पन्नगौ नमो मंगलं च तारिलोकमा यन्तालोकमा च जालोकमा साहुलोकमा केवली पन्नगौ नमो लोकमा च तारिशरणमवज्ञामि अर्यन्ते शरणमवज्ञामि च देशरणमवज्ञामि साहुशरणमवज्ञामि केवली पन्नगौ नमो शरणमवज्ञामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न सरना कोई हो जो हर प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा जीवन। सभी भाई भोजन अवश्य ग्रहण करें, पूज्य महासाधु श्री गुट्टी जी महाराज की जय।
योग के सभी साधु साधनिया जी महाराज की, भगवान के चारों तीरथ की बाय।